एसडीएम विवेक महाजन ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को संभाल रहे ठेकेदारों व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने इन लोगों को तैयारियों की फीडबैक व आगामी दिशा निर्देश दिए। बैठक में टेंट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और पानी की सप्लाई देने वाले ठेकेदार के साथ साथ अम्ब फायर ब्रिगेड सेंटर के जल जीवन मिशन, बिजली विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम विवेक महाजन ने इन सब लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी मेला लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। पुख्ता किया जाए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समय समय पर समीक्षा करें और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से दस्त करवाया जाए। इस मौके पर तहसील अम्ब प्रेमपाल धीमान, फायर स्टेशन अम्ब के इंचार्ज राकेश कुमार, कानूनगो सुभाष चंद, लाल हुसैन के साथ साथ एसडीएम कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज मैड़ी मेला के प्रबंधन से के संदर्भ में जो है मीटिंग करी गई और ताकि इसका मेटिकुलस प्लानिंग हो सके, इसलिए जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है सबको बुलाया गया था और उन्हें जो भी वांछित जो निर्देश दिए जाने थे वो दिए गए। जैसे जो पानी का सप्लाई वाला है उसको, उससे बातचीत की गई और उसके जो सोर्सेज हैं उसको, जिस सोर्सेज से वो पानी लाता है उसमें उसकी टेस्टिंग करने के लिए आईपीएच को जो है निर्देश दे दिए गए हैं, आईपीएच डिपार्टमेंट को, ताकि पहले उसका टेस्टिंग सोर्स पे ही हो जाए और उसके बाद जो भी वहां पे जो दवाइयां वगैरह डालनी, चाहे वो क्लोरीनेशन है या दूसरी जो दवाइयां डालनी है, वो आईपीएच जो है वो इंश्योर करेगा कि उनमें पानी डाले और पानी की पर्याप्त सप्लाई रहे। इसलिए आईपीएच विभाग को भी बोला गया कि वो जहां जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे जो पाइप से सप्लाई दे सकता है, जहां जहां पे वाटर सप्लाई से, वो पानी की सप्लाई दे दे। और इसके अलावा जो है ठेकेदार भी जो है वो उनको भी, उनसे भी बातचीत की गई और वो भी जो है अपने सोर्स से जो पानी जो है उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद टेंट्स वगैरह के बारे में भी बात की गई कि टेंट्स जो है अच्छी गुणवत्ता के हों और वो जहां पे भी ज्यादा टेंट्स लगने हैं वहां पे सोक पिट बनाएं ताकि जो पानी की निकासी का जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। और फायर वालों को भी बुलाया गया था ताकि फायर ऑडिट भी वो रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि जो जो फायर से रिलेटेड अगर प्रिकॉशंस ली जानी है वो ली जा सके। इसके अलावा जो पार्किंग वाले थे उन्हें भी, उनसे भी बातचीत की गई कि वो प्रॉपर जो है उसमें एंट्री और एग्जिट का प्रावधान रखेंगे ताकि आपदा के समय में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जितने भी उनके प्रबंधन वाले जो लोग रहेंगे वो अपनी ड्रेस डाल के रहे ताकि उनको अलग से पहचाना जा सके। और इसके अलावा वेरियस कमेटीज जो है वो फॉर्म कर दी गई हैं। जैसे एक कमेटी सैनिटेशन के लिए है, वो जाके वो रिपोर्ट देगी कि कितने जो हमारे यूनिट्स लगने हैं, इसके टॉयलेट्स के जो यूनिट्स हैं उनकी समय समय पर प्रगति देगी। और उस कमेटी की ये भी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो पूरे मेले के दौरान 24/7 जो है हमें इंश्योर करेंगे कि वो जो टॉयलेट्स हैं वो क्रियान्वयन में है, वो चल रहे हैं और उनमें पानी की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से हर चीज का जो है माइन्यूटली जो है वो डिटेल में जो है डिस्कस किया गया और वेरियस कमेटीज जो है उसका मॉनिटरिंग करती रहेंगी और जो भी वांछित जो भी रिक्वायर्ड होगा वो निर्देश जो है वो समय पर दिए जाते रहे। ठीक है सर, थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ऊना से अविनाश चौहान की रिपोर्ट।